हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 12 का एग्जांपल क्वेश्चन कराऊंगा। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 12 स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 12 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए, वो मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 मैंने आप लोगों को हर एक इन सभी चैप्टर का हर एक एग्जांपल क्वेश्चन और हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन ये सारा मैंने आप लोग करवा दिया। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल 1 करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरिमीटर इज 32 सेंटीमीटर। आप लोग क्या बोला है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग को बोला कि एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड सपोज ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब इसमें से दो साइड आपको दिया है, कौन सा दो साइड, कोई भी दो साइड दिया है, 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। तो ये आपका सपोज कीजिए ये 8 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर दिया आपको, ठीक है। और इसका पेरीमीटर मतलब जो बाउंड्री होता है ये लोग का, ये सभी साइड का प्लस कितना दिया, 32, ठीक है। तो इसको मान लेते ये हमारा साइड ए, ये साइड बी और इसको साइड मान लेते सी, जो कि हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। और पेरीमीटर कितना दिया आप लोग को, पेरीमीटर दिया आपको 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग गिवेन लिखेंगे, गिवेन ए का वैल्यू कितना दिया आप लोग को 8 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू कितना दिया 11 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू कितना दिया है हमें नहीं दिया, ठीक है। तो सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, हमें दो साइड दिया है ट्रायंगल का, यहाँ से ऑलरेडी मेंशन है आपको दो साइड दिया है, थर्ड साइड नहीं दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया, पेरीमीटर दिया है, तो थर्ड साइड मुझे फाइंड करना है और पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो कर रहा हूं आपको स्टेप देखना, वैसे स्टेप आप लोगों को भी फॉलो करना है। यहाँ पे अब सबसे पहला स्टेप है मुझे ये जो थर्ड साइड है वो निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, जो कि मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड होता है फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया देखिए, 32। तो इन प्लेस ऑफ पेरीमीटर हम लोग क्या पुट करेंगे, 32 इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये तीनों का प्लस, तो ए प्लस बी प्लस क्या होगा सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो 32 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस बी का वैल्यू कितना है 11 प्लस सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो सी का सी हमें नहीं दिया था, ठीक है। अब 32 सेम, अब 8 प्लस 11 के देता हूं दैट इज 19, ठीक है ना, 11 प्लस 8 19 प्लस पे 32, यहाँ पे 32 सेम लिखेंगे, इक्वल का इक्वल 8 प्लस 11 19 हो गया, प्लस का प्लस और सी का सी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सी को सिंगल छोड़ेंगे, तो अगर मैं सी को सिंगल छोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो 19 प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 32, ठीक है। अब सी को अगर सिंगल छोड़ता हूं तो ये प्लस है 19, इसे हमसे क्या होगा माइनस 19, तो इक्वल का इक्वल साइन 32, अब ये प्लस था इसे गया तो माइनस 19। अब c इक्वल टू कितना होगा, 32 में से 19 गया, ठीक है, तो ये कितना होगा, दैट इज 32 माइनस 19 20 12 30, तो ये कितना होगा 13, ठीक है, कितना गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें c का वैल्यू दैट मीन तीनों साइड मिल चुके हैं, ठीक है, ये c का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 13 सेंटीमीटर, तीनों साइड आ गया। अब क्या करना है हमको, सेमी पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। जैसे मैं इसमें फॉलो कर रहा हूं आप लोग वैसे ही फॉलो करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर, बिकॉज सेमी पेरीमीटर जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोस फॉर्मूला आप लोग यूज नहीं कर पाओगे,
ठीक है, हमें यूज करना है, हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रेंगल, यहाँ पे बोला था ना फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो यूजिंग हीरोन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। तो जब तक एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा तब तक आपका एरिया नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। नेक्स्ट ए का मैंने देखिए कितना दिया, ए प्लस बी का मैंने कितना, दैट इज 11 प्लस सी का मैंने कितना, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई टू। अब इन तीनों को जब प्लस करेंगे, दैट इज 11 13 और 8 को, तो ये कितना होगा, 3 प्लस 1 4, 8 प्लस 4 12, 2 1 है 1 2 3 32, तो ये कितना गया 32 बाई टू, ठीक है। अब 32 बाई टू तो आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं हीरो फोर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जगह है, इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पोस्ट करके ये बना लेना, मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूँ, इसका भी मुझे स्पेस चाहिए। तो यहां पे यूजिंग हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला, तो हीरोन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग देखिए, ये आपका एस का वैल्यू था, ठीक है। तो एस की जगह पे क्या रखना, आपको 16 रखना है। तो यहां पे एस की जगह पे 16 ब्रेकेट, एस की जगह पे 16 माइनस ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आप लोग को 8 दिया था, तो यहां पे 8 लिखेंगे ब्रेकेट, फिर एस का वैल्यू कितना, 16 माइनस ये एस है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना दिया है, तो बी का वैल्यू आपको 11 दिया है, यहां पर क्या होगा 11, फिर एस का वैल्यू कितना, 16 माइनस सी का वैल्यू कितना, तो सी का वैल्यू आप लोगों को दिया था, दैट इज हम लोग फाइंड किए 30, तो 30, तो ये अंडर रूट। अब अगर मैं 16 का 16 सेम रखेंगे, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, 16 में से 8 दिया तो 8, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन, 16 में से 11 दिया तो कितना होगा 5, कुछ नहीं मतलब इंटू 16 में से 13 दिया तो इट बिकम 3, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, अब अगर आपको रूट से निकालना है तो आप लोग सबको तोड़ो, सभी नंबर को आप लोग तोड़ोगे कैसे, आप लोग एलसीएम करोगे, जैसे 16 पहले तोड़ना है, तो 16 का एलसीएम लीजिए, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, 2 1 2, तो कितना आया, 4 2, 1 2 3 4। अब 8 का भी आपको एलसीएम लेना है, तो अगर 8 का एलसीएम ले तो क्या हुआ, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है, तो कितना 2 आया, 3 इंटू, अब 5 को तोड़ने से 5 भी आएगा, तो 5 इंटू 3। अब क्या करना आपको, अब रूट से कौन सा नंबर निकलता है, जो डबल होता है, तो जो पेयर होता है उसमें से एक लेना है, तो ये पेयर में है इसलिए एक बाहर आ गया, ये भी पेयर में एक बाहर आ गया, ये भी पेयर में बाहर आ गया, और क्या बचा हम लोग का पास, बचा दैट इज अंडर रूट, और कुछ नहीं है, अंडर रूट का लिखेंगे 2 5 10 एंड 10 3 30, तो ये कितना आ गया, 2 2 4 4 2 8, 1 root over 30, दैट इज यहां पे यूनिट देख लीजिएगा क्या था, सेंटीमीटर था साइड में, ठीक है। तो यहां पे आप लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर देना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया हमारा, 8 root over 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दैट इज एग्जांपल 3, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं, दैट इज एग्जांपल 3। अब इसमें क्या दिया गया, ध्यान से देखिए आप लोग, दैट इज द साइड्स ऑफ ए ट्रेंगुलर प्लॉट, एक ट्रेंगुलर प्लॉट है जिसका साइड आप लोग को किस में दिया है, रेशियो में, रेशियो 3:5:7। अब आप लोग को एक ट्रेंगुलर प्लॉट दिया है, ये आपका ट्रेंगुलर प्लॉट,
ये ट्रेंगुलर फ्लोर का जो रेशियो है ये आपको किस रेशियो में दिया है, 3:5:7। आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग को रेशियो वाला प्रॉब्लम दे या रेशियो वाला क्वेश्चन दे, हमेशा याद रखना वो रेशियो वाला चाहे एंगल हो चाहे साइड हो, वो एक्चुअल नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि ये अगर ट्रेंगल एबीसी है, एबीसी ट्रेंगल, तो ये फर्स्ट साइड मान लेते हैं हम लोग 3 है यहाँ पे रेशियो, तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा a=3x। ठीक है, और इसको मान लेते हैं दूसरा साइड दैट इज बी, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा दैट इज 5x, और थर्ड साइड क्या दिया 7, तो यहाँ पे सी का साइड क्या होगा 7x। ठीक है, तो जब भी आप लोग को साइड हो चाहे एंगल हो, जब भी रेशियो के फॉर्मेट में दे, आप लोग क्या करना उसके साथ एक्स मानना। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को पेरीमीटर कितना दिया है 300, तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना होगा 300 मीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग माने हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो लेट ए इक्वल टू क्या माना है हम लोग 3x, ए इक्वल टू 3x, बी इक्वल टू क्या माना है हम लोग 5x, और सी इक्वल टू क्या माना है हम लोग 7x। ठीक है, अब पेरीमीटर आप लोग को दिया था, दैट इज पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया था, पेरीमीटर इक्वल टू दिया हम लोग को 300 मीटर। अब यार फोर पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मा सम ऑफ ऑल साइड, जो कि हम लोग इसके पिछले साइड में मैंने फॉर्मा जो लगाया था वही फॉर्मा हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना दिया 300, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 इक्वल टू, अब सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या होगा, इन तीनों का ए तीनों साइड का प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब 300 सेम रहेगा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू 3x, तो 3x प्लस बी का वैल्यू कितना दिया 5x, तो 5x प्लस सी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, तो सी का वैल्यू 7x, तो यहाँ पे 7x। अब 300 सेम, अब इन तीनों को प्लस करते हैं, तो 5 5 10 11 12 12 प्लस 3 15, दैट इज 15x। ठीक है, अब इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, तो 15x इक्वल टू क्या होगा 300। अब अगर मैं x को सिंगल छोड़ूंगा तो ये 15 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू 300 by 15। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना होगा, अब 15 कितना जा 30 होता है, 15 2 जा 30। ठीक है, और ये 0 का क्या होगा 0, ये दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया 20, तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं एक्चुअल साइड निकालता हूँ, तो देयरफॉर a इक्वल टू, a क्या माने थे हम लोग, a इक्वल टू क्या माने थे, दैट इज 3x, तो यहाँ पे 3x, तो a इक्वल टू कितना होगा 3, उसने मतलब इंटू x का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे 20, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3 2 16। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे मीटर लिख देंगे। नेक्स्ट बी का वैल्यू क्या माने थे, बी का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर b इक्वल टू कितना है, दैट इज 5x, तो 5x, और b इक्वल टू क्या होगा 5 × x का वैल्यू कितना 20, तो यहाँ पे 20, तो b का वैल्यू कितना आ गया 5 × 10 = 100 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग c फाइंड करते हैं, तो c का वैल्यू कितना दिया 7x, और c इक्वल टू कितना होगा 7 × उसने मतलब × x का वैल्यू कितना दिया है, तो x का वैल्यू हम लोग को दिया दैट इज 25, तो यहाँ पे 20, तो c का वैल्यू कितना आ गया 7 × 20 = 140 मीटर। ठीक है, तो जब आप लोग का ए बी सी आ जाएगा, अब हम लोग क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। जैसे पिछले स्लाइड में मैंने स्टेप फॉलो किया था, आप लोग वही स्टेप यहाँ भी फॉलो करोगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर, तो देयरफॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज फॉर्मूला इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो ए का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग 60, तो यहाँ पे 60 प्लस बी का वैल्यू कितना 100, तो यहाँ पे 100 प्लस सी का वैल्यू कितना 140, तो यहाँ पे 140, नीचे 2,
अब यहाँ पे इन सबको प्लस करने से कितना आएगा, दैट इज 300 और नीचे 2। अब 2 150 का कितना आता है 300। जस्ट आपको इसको क्या करना, हाफ कर देना है। 300 का हाफ कितना आता है 150 ना, तो 150 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एस सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एस का वैल्यू कितना गया, दैट इज 150 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या यूज करेंगे, किरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद यूजिंग किरोन्स फॉर्मूला, तो किरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आपका वैल्यू था। ठीक है, तो इक्वल टू ये सारा वैल्यू पुट करते हैं तो एस का वैल्यू कितना है, देखिए आप लोग 150, तो 150 ब्रेकेट। ठीक है, अब यहाँ पे एस का वैल्यू कितना है 150, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे एस का वैल्यू 150 था तो 150 लिख दिया, फिर ब्रेकेट एस का वैल्यू 150 माइनस ए का वैल्यू कितना दे, देखिए आप लोग 60, तो यहाँ पे 60 ब्रेकेट, एस का वैल्यू कितना 150, तो 150 माइनस बी का वैल्यू कितना दिया, देखिए आप लोग, तो बी का वैल्यू दैट इज आप लोग को 100 दिया, तो यहाँ पे 100, एस का वैल्यू कितना दैट इज 150 माइनस सी का वैल्यू कितना दिया, देखिए तो सी का वैल्यू आप लोग को दैट इज 140, तो यहाँ पे 140। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, ध्यान से देखिए 150 का 150, अब यहाँ पे ब्रेकेट मतलब क्या था, इनटू साइन, अगर मैं 150 में से 60 काटता हूं तो ये कितना होगा, दैट इज 90। ठीक है, नेक्स्ट फिर ब्रेकेट मतलब कुछ नहीं, मतलब इनटू 150 में से 100 किया तो 50 इनटू, अब 150 में से 140 किया तो 10। तो अगर आप लोग ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, 150 को मैं तोड़ता हूं, ठीक है, इसको मैं इजिली आपको कैसे ब्रेक कर सकते हो वो दिखाता हूं। अब 150 को कैसे दे सकते हम लोग, 15 इंटू 10, ठीक है ना। नेक्स्ट 90 को कैसे दे सकते हम लोग, 9 इंटू 10, ठीक है ना। अब 50 को क्या दे सकते हम लोग, 5 इंटू 10 और इंटू 10 का 10। मैंने क्या किया, 150 को ब्रेक किया 15 इंटू 10 में, 90 को ब्रेक किया 9 इंटू 10 में, 50 को ब्रेक किया 5 इंटू 10 में और 10 का 10 में। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 10 ये दोनों जोड़ा में हो गया तो बाहर आ गया, ठीक है, और ये 10 ये 10 ये दोनों में भी जोड़ा गए तो बाहर आ जाएगा, दो टू में से एक टू बाहर, तो क्या बचेगा अंडर रूट में 15 इंटू और क्या बचेगा 9 इंटू, फिर क्या बचा 5 बचा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये रफ पे आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो 10 10 का कितना होगा 100। ठीक है, अंडर रूट अगर मैं 15 को ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 15 को ब्रेक करता हूँ तो कैसे ब्रेक करूंगा, 15 का एलसीएम देखिए, 3 5 15 और 5 1 5, तो कितना होगा 3 इंटू 5 इंटू। अगर मैं 9 को ब्रेक करूँ तो क्या होगा, 9 को ब्रेक करने से क्या आता है, 9 का एलसीएम 3 3 9, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू। अब ये 5 का क्या आ जाएगा, 5 ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये 3 3 2 2 है तो 2 2 में से 1 2 बाहर, 5 5 2 2 है तो 2 2 में से 1 2 बाहर। अब बचा क्या, इसका तो पेयर नहीं मिला 1 3 का, तो 1 3 रहेगा इसे। ठीक है, तो ये कितना है, 5 3 15 15 इंटू 100 1500, तो आपका कितना आ गया आंसर, 1500√3 दैट इज मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मीटर था इसलिए मीटर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना गया, 1500√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का हमारा एग्जाम्पल 3D। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल 3D अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है मैं बता देता हूँ, सबसे पहले ये पार्ट, इसके बाद इसके नीचे ये लिखना है ये वाला, और इसके नीचे ये लिखना है और इसके नीचे ये लिखना है। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, दैट इज मैं स्टार्ट करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए।